हाय फ्रेंड, कैसे आप सभी दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकॉर्न न्यूज में। दोस्तों, स्मार्टफोन निर्माता कंपनी स्वामी अब ऑटो सेक्टर में कदम रखते हुए अपने पहले इलेक्ट्रिक गाड़ी SUV 7 को भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली। तो आज के इस वीडियो में हम आपको स्वामी के नए इलेक्ट्रिक कार SUV 7 की सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, बिना देरी करते हैं वीडियो के स्टार्ट। चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी स्वामी ने आज से आधिकारिक तौर पर इलेक्ट्रिक कार बाजार में एंट्री कर ली। कंपनी ने स्लाइट इवेंट में अपनी पहला इलेक्ट्रिक वाहन SUV 7 को पेश कर दिया है। कंपनी का कहना है कि ये SUV 7 मॉडल एक सेडान कार होगी जो कंपनी के स्मार्टफोन हाइपर ओपर के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ शेयर करेगी। इस कार का लुक और डिजाइन बेहद ही शानदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में इस इवेंट के दौरान कंपनी ने कई प्रोडक्ट लॉन्च किया था, लेकिन स्वामी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल तकनीक के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई। इस कार को स्वामी के CEO लुई जून ने सोशल मीडिया पर पहले भी शेयर कर चुके थे। स्वामी SUV 7 को एक अनुबंध के तहत बीजिंग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया। इस कार की लंबाई की बात करें तो इस कार की लंबाई आपको 4,997 मिमी और चौड़ाई की बात करें तो 1,963 मिमी और इसकी ऊंचाई 1,455 मिमी और व्हील बेस 3,000 मिमी का होने वाला है। दोस्तों, वही इसके बात करें व्हील बेस की तो इसमें दो अलग अलग व्हील बेस का साइज विकल्प देखने को मिलेंगे जो कि क्रमशः 9 इंच और 20 इंच के होंगे। ये कार दो वेरिएंट के साथ लॉन्च किया जाएगा जिसमें आपको एक लीडर के साथ दूसरा बिना लीडर के साथ आपको देखने को मिलेगी। इस कार को आपको दो वेरिएंट में SUV 7 और SUV 7 Max के साथ पेश किया जा सकता है। इसमें फिर बेस मॉडल SUV 7 में कंपनी रियर व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ पेश करेगी। वही बेस मॉडल SUV 7 का इलेक्ट्रिक मोटर 299 PS का पावर जनरेट करता और ये महज आपको 5.2 सेकेंड में 0 से 100 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकते। इसकी टॉप स्पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटा बताया जा रहा है। वही टॉप वेरिएंट में दोस्तों SUV 7 Max कंपनी ने और बेहतर बनाया। इसमें डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ दिया गया है जो कि इलेक्ट्रिक कार में आपको पहली बार देखने को मिल रही है, जो कि इस रोड कंडीशन और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ बनाती है। SUV 7 Max का इलेक्ट्रिक मोटर आपको 673 PS की अधिकतम पावर जनरेट करता और ये कार महज 2.7 सेकेंड में 0 से 100 किलोमीटर की टॉप स्पीड पकड़ सकती है। और इस गाड़ी काफ़ी बेहतरीन स्पीड के साथ इसकी टॉप स्पीड आपको 265 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बताई जा रही है, जो एक अलग बात होती है। इसके बेस मॉडल की बात करें तो आपको 980 की ग्राह और लोअर ट्रिम का टॉप स्पीड 210 मीटर प्रति घंटा बताया जा रहा है। वहाँ इसके टॉप मॉडल का वजन 2205 किलोग्राम है और इसकी टॉप स्पीड 265 किलोग्राम बताया जा रहा है। इसके टॉप मॉडल में आपको 63.6 के डोल्स का बैटरी पैक मिलता है जो कि 668 किलोमीटर प्रति घंटे की रेंज देती है। वही इसके टॉप मॉडल में आपको 1001 KWh की बैटरी पैक का मिलता है जो कि आपको सिंगल चार्ज में एक गाड़ी 800 किलोमीटर तक का रेंज दे सकती है। कंपनी भविष्य में इस कार को नए VS वेरिएंट के साथ पेश करेगी। इसमें आपको 1500 KWh का बैटरी पैक की क्षमता दे सकती है जो कि एक बार सिंगल चार्ज होने पर गाड़ी आपको 1500 किलोमीटर से अधिक का रेंज दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये गाड़ी बेहद ही कम दाम में एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक कार होने वाली है, वो भी 4x4 ड्राइव विकल्प ऑप्शन के साथ। ये गाड़ी अब भारतीय बाजार में बहुत जल्द 2024 में लॉन्च की जाने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों, ये गाड़ी स्मार्टफोन के साथ अब इलेक्ट्रिक केल भी बनाना शुरू कर दिया और भी काफ़ी अच्छी खासी दामों में। तो दोस्तों, आपको स्वामी का ये इलेक्ट्रिक कार कैसा लगा हमें इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में जितना हो सके आम आदमी तक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम मिलते हैं गाड़ी की किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक आप हमें दीजिएगा इजाज़त। तब तक सेफ ड्राइव एंड हैव अ नाइट। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग अस।